कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने दो दिन के दौरे पर मंगलवार को रायबरेली पहुंची। प्रियंका के रायबरेली पहुंचते ही उनका जिस तरीके से स्वागत होता है वो वहां पर देखा गया। यहां पर प्रदेश कार्यकारिणी के लिए आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करेंगी। पार्टी को यूपी में संजीवनी देने में जुटी प्रियंका। कार्यशाला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से बिगुल फूंकने का ऐलान करेंगे। रायबरेली पहुंचने पर प्रियंका ने यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जिंदा जलाया जा रहा है दिन दिहाड़े, अपराध हो रहे महिलाओं के खिलाफ। आपने देखा है कि जो नए स्टैटिस्टिक्स आए हैं इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम पोजीशन में है इस मामले में कि महिलाओं पे कितना अपराध हो रहा है। तो सरकार को कुछ चेक करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए।